दोस्तों बजाज की एक और दमदार बाइक जिसे हम कहते हैं सिटी 100। जी हाँ दोस्तों, बजाज की सिटी 100 को भी BS6 के साथ लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस व्हीकल को भी BS6 के साथ अपडेट करके लॉन्च कर दिया गया और ये नियरेस्ट शोरूम में अवेलेबल भी है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बाइक में से एक है क्योंकि इस बाइक का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। भले ये छोटी बाइक है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसमें आप लोगों को जो इसका माइलेज है वो बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा माइलेज आपको यहाँ पे इस व्हीकल में देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छी लगी मुझे अपडेट करने के बाद। इसमें थोड़े थोड़े अपडेट भी किए गए हैं जो कि इसका लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है और इसे ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के साथ भी उतार दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं बजाज की BS6 100 के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक मिल सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सिटी 100 के बारे में, BS6 व्हीकल के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या नए नए अपडेट हमें देखने को मिले हैं और इस बाइक का स्पेसिफिकेशन कैसा है। दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ऐसे नाम लेना चाहता हूँ एक बंदे का जिसका नाम, भाई सॉरी मैं आपका नाम भूल गया हूँ, जो कि मुझे बहुत दिनों से मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई मुझे सिटी 100 का वीडियो बनाओ। उन्होंने मुझे बहुत सारा कमेंट किया था, स्पेशली मैं बोलूँगा आज उनके लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले हम इस व्हीकल के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको इस व्हीकल के प्राइस के बारे में बता दूं तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 50,000 के आसपास का। जी हाँ दोस्तों, 50,000 एक्स शोरूम प्राइस है, सॉरी 50,000 नहीं है, सिटी 100 का जो एक्स शोरूम प्राइस है BS6 का वो है 48,700 के आसपास का और इसका जो ऑन रोड प्राइस हमें देखने को मिल जाता है BS6 का वो है 61,900 यानी कि 62,000 के आसपास, 62,000 रुपये के आसपास आप लोगों को ये व्हीकल ऑन रोड में प्राइस में देखने को मिल जाती है ES वाली, जो कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी वाली बाइक है जिसमें हम ES वाली भी कहते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल इसमें KS वाली भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके इंजन टाइप के बारे में और इसके अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले इसके इंजन टाइप में आपको बता दूँ तो 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर नेचुरल एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी देखने के साथ मिल जाता है। 102 cc का मैक्सिमम cc का इंजन लगाया गया है। मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, मैक्सिमम पावर में 7.7 PS का पावर मिल जाता है जो कि 7500 RPM पे काम करता है। मैक्सिमम टॉर्क में 8.24 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है जो कि 5500 की इसकी लिमिट होती है। उसके बाद 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में बाइक को डिज़ाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। 2 वॉल्वो पे बाइक को डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों स्टार्टिंग टाइप में किक एंड सेल्फ दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और फ्यूल सप्लाई में एक नई टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे आप लोगों को इस व्हीकल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा तरह से काम करेगा और बाइक का थोड़ा माइलेज भी बढ़ाएगा। ट्रांसमिशन में मैनुअल 4-स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। क्लच टाइप में वेट मल्टीप्लेट क्लच देखने को मिल जाता है। बोर एंड स्ट्रोक में 47 mm का बोर देखने को मिल रहा है और 58.8 mm का स्ट्रोक देखने को मिल जाता है इस व्हीकल में, बहुत अच्छा है। तो इसे काफ़ी अच्छी तरह से मेरे को लगा कि डिज़ाइन किया गया है क्योंकि 100 cc की बाइक है, छोटी बाइक है, फिर भी इतने सारे आप लोगों को यहाँ पे फीचर देखने को मिल रहे हैं। चेचिस एंड सस्पेंशन में चेचिस टाइप में ट्यूबलर सिंगल डाउन ट्यूब विथ लोअर क्रेडल फ्रेम मिल जाता है। बॉडी टाइप में कम्यूनिटर बाइक जैसा आपको पता ही होगा। फ्रंट सस्पेंशन में हाइड्रेलिक टेलीस्कोपिक विदाउट एंट्री फंक्शन बूस्ट मिल जाता है और रियर सस्पेंशन में SNS सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़ भी, बॉडी ग्राफिक भी आपको बाइक में बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसके हम डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में अगर बात कर ले तो बाइक का जो ओवरऑल लेंथ है पूरी बाइक का वो है 1945 mm की। वेट के बारे में बात कर लेते हैं तो 752 mm की वेट मिल जाती है, 1072 mm की हाइट देखने को हमें यहाँ पे मिल जाती है। इस बाइक का अगर हम कैपेसिटी के बारे में बात करें तो कि इस बाइक में कितना पेट्रोल जाता है, एक बार में आप कितना पेट्रोल भरा सकते हैं, इसके फ्यूल टैंक की जो कि कैपेसिटी वो है 10.5 लीटर की। जी हाँ दोस्तों, 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10.5 लीटर की और ग्राउंड क्लियरेंस में 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। व्हील बेस में 123 mm की व्हील बेस देखने को मिल जाती है और ओवरऑल जो बाइक का वेट है, पूरी बाइक का जो वेट है ना वो है 113 kg का, 113 kg की बाइक है। ठीक है, सिटी 100 है, 100 cc के हिसाब से इतना वेट काफ़ी है मेरे हिसाब से। दोस्तों इलेक्ट्रिकल्स के
बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप एक एलईडी लाइट भी हमें देखने को मिल जाती है, और हेडलाइट में आपको हेलोजन मिल जाता है, टेल लाइट आपको बल्ब मिल जाती है, टर्न सिंगल लाइट भी आपको यहाँ पे बल्ब देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका बल्ब भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। उसके बाद दोस्तों हम इसके टायर्स के बारे में अगर बात कर ले तो बाइक में टायर काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, 80 के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं इस व्हीकल में, जो कि बहुत ही अच्छी लगे मुझे देखने में भी। दोस्तों टायर टाइप की बात करते हैं तो ट्यूब मिल जाता है, व्हील साइज में फ्रंट 17 इंच मिल जाता है और रियर साइड में भी 17 इंच देखने को मिल जाता है। व्हील टाइप में अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है, फ्रंट ब्रेक में ड्रम मिल जाता है, रियर ब्रेक में भी आपको ड्रम मिल जाता है। फ्रंट ब्रेक का जो डायमीटर है यानी कि ड्रम का जो साइज होता है वह 110 mm का दोनों ही साइड का साइज होता है, तो काफ़ी अच्छा है। इतना साइज ठीक है, 100cc के हिसाब से जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा हम स्पीड नहीं चलाएंगे, और इस हिसाब से इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों यहाँ के अगर फीचर एंड सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं तो कुछ स्पेशल फीचर आपको मिल जाते हैं जो ब्रेकिंग टाइप में आपको यहाँ पे आपको जिससे हम मैं कह दूँ तो कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, स्पीडोमीटर आप लोगों को एनालॉग मिल जाता है, ऑडोमीटर एनालॉग मिल जाता है, फ्यूल गेज भी एनालॉग मिलता है और कंसोल भी एनालॉग देखने को मिल जाता है। साथ में आप लोगों को पास स्विच भी मिल जाता है और पैसेंजर फुटरेज भी देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा तरह से इस बाइक को डिज़ाइन किया गया, क्योंकि 100cc के हिसाब से जितना ज़्यादा केयर किया जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा सीसी की जो छोटी सीसी की बाइक्स होती है उसको हमारे देश में हमारी कंट्री में ज़्यादा पसंद किया जाता है और लोग परचेस करते हैं, क्योंकि भाई पेट्रोल का दाम भी बहुत ज़्यादा है और जिस बाइक का सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो माइलेज है। अगर हम इसके माइलेज की बात कर लेते हैं तो जो यहाँ पे क्लेम होता है कंपनी की तरफ से वो तो 80 प्लस का क्लेम होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो लोग यूज़ करते हैं वो लोग बताते हैं कि भाई यहाँ पे आप लोगों को ये बाइक आराम से 80 से 85 के बीच का माइलेज दे देती है, जो कंपनी क्लेम करती हो तो 100 के आसपास का क्लेम होता है, लेकिन 80 से 85 का माइलेज आसानी से आपको ये व्हीकल देने में सक्षम है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा।